नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महावीर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल YouTube चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा RTD और BT100 के बारे में। आज का हमारा यही टॉपिक है। तो दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे इसके कनेक्शन करने के लिए। ये जो हमारा PT100 है, RTD है, इसमें ये तीन वायर होते हैं। ये तीन वायर क्यों होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसके कनेक्शन हम थर्मोकपल के और RTD के कैसे करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। मैं टेम्परेचर कंट्रोलर भी आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये RTD PT100, और इसमें ये हमारे PT100 में तीन वायर निकले हुए हैं। तीन तीन वायर क्यों हैं, इसके बारे में हम अभी आपको बताते हैं। ये तीन वायर कौन कौन से हैं, ये जो हमारे तीन वायर हैं ये क्यों निकले हुए हैं। ये हमारे तीन वायर ये वाले हमारे तीन वायर हुए हैं। ये हुए हमारी रेजिस्टेंस, और ये हमारे हो गए हैं शॉर्ट। तो जो ये शॉर्ट हो गए हैं, और इसको हम पीटी को बोलते हैं। RTD है, पीटी है प्लेटिनम रेजिस्टेंस एलिमेंट। ये हमारी RTD होगी, प्लेटिनम रेजिस्टेंस एलिमेंट। अब ये देखिए, ये जो दो वायर हैं, व्हाइट वाले वायर आपस में ये हमारे शॉर्ट हैं, और ये एक रेड है, ये रेड मेरा रेजिस्टेंस के थ्रू लगा हुआ है। अब यहाँ देख लीजिए, ये यहाँ देखिए सर्किट बना हुआ है। ये मेरी लाइन है, ये मेरी वोल्टेज है VV+। ये जो रेजिस्टेंस है, ये वाली हमारी ये रेड वायर है ये, और ये वाला हमारा सफेद है। आपका कंट्रोलर है यूरोथम का, ये हमारा कंट्रोलर है। इसमें ही हमें कनेक्शन करते हैं। जितने भी हमारे कंट्रोलर हैं, सेम हमें ऐसे ही कनेक्शन करने होते हैं। किसी भी कंपनी का हमारा कोई कंट्रोलर, और सब में कनेक्शन इसी हिसाब से करने होते हैं। ये जो सफेद हैं, ये इनको यहाँ शॉर्ट करने होते हैं, और ये हमारा रेड वाला वायर यहाँ होता है। किसी किसी में ये दो वायर भी होते हैं, तब ये दो वायर होते हैं तो आपस में इन्हें यहाँ हम शॉर्ट करते हैं। और ये देख लीजिए, थर्मोकपल के जो होते हैं, थर्मोकपल में क्या होता है, ये +V और ये -। ये थर्मोकपल खाली, ये ओनली ये होता है। थर्मोकपल में हम ये वाले वायर जोड़ेंगे, और PT100 और RTD में हम ये और ये शॉर्ट करेंगे आपस में। ये देखिए यहाँ, और ये अलग से। तो ऐसे हम PT100 और RTD के कनेक्शन करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।